नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आपके साथ मैं हूं वृक्षा। कर्नाटक के उडुपी जिले में 6 साल की बच्ची की गले में चॉकलेट फंसने की वजह से मौत हो गई। बच्ची का स्कूल जाने का मन नहीं था तो मां ने उसे फुसलाने के लिए चॉकलेट दे दी। बच्ची ने रैपर समेत चॉकलेट खा ली जिससे उसका दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जिसमें दम घुटने या फूड पाइप में खाना फंसने से लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये समझिए कि आखिरकार खाना गले में कैसे फंसता है। हमारे नेक यानी गले वाला एरिया काफी पतला होता है। इसमें दो नली होती है, पहली सांस की नली तो दूसरी खाने की नली। दोनों के बीच एक एपिग्लॉटिस होती है जो ये डिसाइड करती है कि आप खाना खाएंगे या सांस लेंगे। इससे आप एक समय पर या तो खाना खा सकते हैं या सांस ले सकते हैं। आप सांस लेते हुए कोई भी चीज निगल नहीं सकते। खाने की नली में कुछ फंसने से मौत नहीं होती। मौत का खतरा तब होता है जब खाना सांस की नली में फंस जाता है। अब गले में खाना कैसे फंसता है, आइए जानते हैं। जल्दी जल्दी खाना खाने से खाना गले में फंस सकता है। खाना खाते वक्त अगर लगातार बात कर रहे हैं तो भी खाना गले में फंस सकता है। लेट कर या नींद में खाना खाने से भी दिक्कत हो सकती है। बिना चबाए निगलने से भी खाना सांस की नली में फंस सकता है। छोटे बच्चों के गले में चीज फंसने का खतरा सबसे ज्यादा होता है क्योंकि बच्चों का एपिग्लॉटस सॉफ्ट होता है, इसलिए कई बार चीजें सांस की नली में जल्दी चली जाती हैं। बच्चों की सांस की नली बड़ों के मुकाबले छोटी होती है जिससे वो कोई भी चीज खांस कर बाहर नहीं निकाल पाते और ऐसी सिचुएशन में उनकी मौत हो सकती है। अब अगर खाना गले में फंस जाए तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। जिस किसी के भी गले में खाना फंस गया है तो सबसे पहले उसे सीधा खड़ा करें। खुद आप उसके पीछे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों से उसे पकड़ लें। आपके हाथ व्यक्ति के सीने के नीचे और नाभि के ऊपर होने चाहिए। अब जोर से व्यक्ति को अपने पेट की ओर खींचे और छोड़े यानी झटके, ताकि गले में फंसी चीज बाहर निकल जाए। अगर फिर भी फंसी चीज बाहर ना निकले तो तुरंत अस्पताल जाएं। गले में खाना ना फंसे इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आराम से बैठकर ही खाना खाएं। खाने को छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर और अच्छी तरह चबाकर खाएं। जब आप खाना खा रहे हो तो तब हंसे नहीं। इन सब बातों का हमें पता होता है लेकिन हम इन्हें अपनाते नहीं है, इसलिए आज से इन बातों को सीरियसली लें और अपनी जान को जोखिम में ना डालें। और बाकी ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आपके साथ मैं हूं वृक्षा। कर्नाटक के उडुपी जिले में 6 साल की बच्ची की गले में चॉकलेट फंसने की वजह से मौत हो गई। बच्ची का स्कूल जाने का मन नहीं था तो माँ ने उसे फुसलाने के लिए चॉकलेट दे दी। बच्ची ने रैपर समेत चॉकलेट खा ली जिससे उसका दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जिसमें दम घुटने या फूड पाइप में खाना फंसने से लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये समझिए कि आखिरकार खाना गले में कैसे फंसता है। हमारे नेक यानी गले वाला एरिया काफी पतला होता है। इसमें दो नली होती है, पहली सांस की नली तो दूसरी खाने की नली। दोनों के बीच एक एपिग्लॉटिस होती है जो ये डिसाइड करती है कि आप खाना खाएंगे या सांस लेंगे। इससे आप एक समय पर या तो खाना खा सकते हैं या सांस ले सकते हैं। आप सांस लेते हुए कोई भी चीज निगल नहीं सकते। खाने की नली में कुछ फंसने से मौत नहीं होती। मौत का खतरा तब होता है जब खाना सांस की नली में फंस जाता है। अब गले में खाना कैसे फंसता है, आइए जानते हैं। जल्दी जल्दी खाना खाने से खाना गले में फंस सकता है। खाना खाते वक्त अगर लगातार बात कर रहे हैं तो भी खाना गले में फंस सकता है। लेट कर या नींद में खाना खाने से भी दिक्कत हो सकती है। बिना चबाए निगलने से भी खाना सांस की नली में फंस सकता है। छोटे बच्चों के गले में चीज फंसने का खतरा सबसे ज्यादा होता है क्योंकि बच्चों का एपिग्लॉटस सॉफ्ट होता है, इसलिए कई बार चीजें सांस की नली में जल्दी चली जाती हैं। बच्चों की सांस की नली बड़ों के मुकाबले छोटी होती है जिससे वो कोई भी चीज खांस कर बाहर नहीं निकाल पाते और ऐसी सिचुएशन में उनकी मौत हो सकती है। अब अगर खाना गले में फंस जाए तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। जिस किसी के भी गले में खाना फंस गया है तो सबसे पहले उसे सीधा खड़ा करें। खुद आप उसके पीछे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों से उसे पकड़ लें। आपके हाथ व्यक्ति के सीने के नीचे और नाभि के ऊपर होने चाहिए। अब जोर से व्यक्ति को अपने पेट की ओर खींचे और छोड़े यानी झटके, ताकि गले में फंसी चीज बाहर निकल जाए। अगर फिर भी फंसी चीज बाहर ना निकले तो तुरंत
अस्पताल जाएं। गले में खाना ना फंसे इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आराम से बैठकर ही खाना खाएं। खाने को छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर और अच्छी तरह चबाकर खाएं। जब आप खाना खा रहे हो तो तब हंसे नहीं। इन सब बातों का हमें पता होता है लेकिन हम इन्हें अपनाते नहीं है। इसलिए आज से इन बातों को सीरियसली लें और अपनी जान को जोखिम में ना डालें। और बाकी ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ।